अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये कश्मीर की है। अब कश्मीर हम इसलिए गए थे, हमारे कज़न की शादी थी, तो शादी में जाना लाजमी बनता था क्योंकि पहले हमारे दादी दादा होते थे वो अटेंड कराते थे, अब वो लोग अल्लाह ने जन्नत नसीब करे फोत हो चुके, तो अभी हमारा लाजमी जाना बनता था। अब मेरा सीन ये था कि शादी में मैंने कहा कोई भी व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं इस चक्कर में लाया गया मैंने कहा शादी मिस हो गई। लेकिन एक ऐसा सीन ऐसा पेश आया, अपनी पब्लिक के साथ भी शेयर कर लूँ कि क्या सीन पेश आया। सीन ये पेश आया कि हम सड़क से काफ़ी नीचे थे तो वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आती थी आम, तो एक गाड़ी थी जिसपे सामान आया था शादी का, तो वापस हमने शादी का सामान वापस भेजना था, तो एक वही गाड़ी वापस आई थी उसी में सामान सारा लोड किया और लोड करके आगे फैमिली बैठ गई और मुझे पीछे बैठा दिया गया छत के ऊपर, मतलब सामान के टॉप पे मैं बैठ गया ऊपर। तो सीन कुछ इस तरह था यार, बहुत ही मुश्किल रास्ता था और यकीन माने कि मैंने कहा आज आखिरी दिन है बाबा जी मेरा, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बचाया और मैं बिल्कुल ज़िंदा बच के आ गया हूँ वापस। अब शादी के सामान में टेंट था, कुर्सियाँ थी, टेबल थे और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी और बिल्कुल टॉप पे था, और रास्ते में एक बाबा जी भी मिल गए, वो भी बैठ गए, वो कहते हैं मैंने ऊपर जाना है, तो हमने कहा आ जाएं आप ही बैठ जाएं। और बड़ा मुश्किल सफ़र था और ठंड भी बहुत थी, आप तो भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरज वगैरह निकला होता शुक्र उस दिन ना, और जिस दिन हम गए थे रात को तकरीबन 3-3:30 बजे गाड़ी ने हमें उतार दिया तो ऊपर, और वहाँ से नीचे हम गए, यकीन माने बहुत ही मुश्किल सफ़र था यार नीचे का। रात को 3:30 बजे गाड़ी ने उतारा और हम पैदल आया नीचे, तकरीबन 30 से 35 मिनट का सफ़र था नीचे का, और नीचे आए हैं जब हम तो जिस टाइम पहुँचे 5 बजे पहुँचे या 4:30 बजे पहुँचे उनके घर नीचे अपने कज़न के घर, और हल्की हल्की उस टाइम सुबह हो रही थी, तकरीबन अजानों का टाइम था या हो चुका था शायद। खैर यार ये जो सफ़र है ना मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे मुश्किल तरीन सफ़र था यार, अल्लाह पाक ने बचाया। बस ये आप देख रहे हो रोड सारा सारा गंदा है, इसी तरह अभी रोड बन रहा है, इससे आगे आगे ना रोड जो बन रहा है ना वो थोड़ा सा ठीक है। बड़ी मुश्किलों से मैं वीडियो बना रहा था, ये एक हाथ से मैंने गाड़ी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं मोबाइल था मेरे, और बड़े मुश्किलों से मैं ये बना रहा था। इस ज़िंदगी का मेरे सफ़र भी बड़ा मेरा डेंजरस सफ़र है ये, फिर इसको कैमरे की आँख में बंद कर दिया जाए लाजमी है। तो भी ऊपर जा रहे हम आता आता, बड़े मज़े का मौसम, बड़े मज़े का था और ठंड थी यहाँ पे कश्मीर में काफ़ी ठंड थी क्योंकि इस्लामाबाद में तो काफ़ी गर्मी है लेकिन वहाँ पे काफ़ी ठंड थी। लेकिन जिस दिन हम गए थे उस दिन बारिश थी और उसके 3 दिन हम वहाँ पे रहे और 3 के 3 दिन बारिश रुकी रही है माशाल्लाह, और यहाँ पर आगे जाएँगे थोड़ी देर, यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे हम, बिल्कुल सीधी सीधी रोड आ गई थी करम से, अल्लाह के करम से। मुझे बड़ा डर लग रहा था लेकिन नीचे से रोड थोड़ा ख़राब था, ऊपर आके आस्ता आस्ता आधी हो गए थे झटके खा खा के। अभी ये बिल्कुल सीधा सा रोड आ गया, यहाँ पे हम थोड़ी देर आगे जाके रुकेंगे क्योंकि हमारे एक अंकल ने नीचे से आना था, वो पैदल आ रहे थे, और यहाँ पे कब्र के पास थोड़ी देर रुकेंगे, कब्रिस्तान के पास ना थोड़ी देर हम रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे एक अंकल ने आना नीचे से, वो आ जाएंगे, इसी दुआ भी कर लेंगे, देखानी कर लेंगे और उसके बाद अंकल आएंगे वो बैठेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे हम। 10 से 20 मिनट हम यहाँ पे रुके, फिर अंकल एक आगे बैठे होते, वो अंकल पीछे आ गए, वो भी मेरे साथ ऊपर आ गए। यार ये व्यू भी बहुत एंड किस्म का था यार, उस टाइम तो नहीं समझ लग रही थी लेकिन जब घर आके मैंने देखा ना तो एंड किस्म का व्यू था यार, आप लोग भी देख रहे होंगे बहुत ज़बरदस्त यार व्यू था। वही अंकल भी कह रहे हैं यार कौन सी सख्ती आ गई किस जगह आके बैठ गए, अब हंसी भी आ रही थी साथ परेशानी भी हो रही थी कि यार किस जगह आके बैठ चुके। खैर आस्ता आस्ता कर के हम बातें वगैरह करते साथ, अंकल भी वो देखे हैं तकरीबन 65-70 साल के हैं, वो भी माशाल्लाह ऊपर बैठे हैं, बड़ी तसल्ली मिली मुझे, मैंने कहा मैं तो यार चल रहा हूँ, खैर गिर गुर भी गया तो खैर बच जाऊँगा लेकिन वो जो अंकल है उनका क्या होगा, तसल्ली मिली मुझे, मैंने कहा ठीक है बैठते हैं खैर है कोई चक्कर नहीं है अल्लाह खैर करेगा। रास्ते में बहुत जंप लग रहे थे, बहुत ज़्यादा जंप थे रास्ते में क्योंकि रोड इतना ख़राब था, ये वाला काफ़ी आगे जाके ठीक है लेकिन तकरीबन 70% ये रोड बिल्कुल ख़राब है, 40% ठीक है लेकिन वो थोड़ा सा कम सा है, छोटा सा ठीक है, 1 किलोमीटर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ये कच्चा है और 1 किलोमीटर ये ठीक है रोड। यार मैं इन लोगों के लिए हैरान हूँ जो सुबह उठ के यहाँ से जाते हैं स्कूल और कॉलेज वगैरह, लड़कियाँ भी जाती हैं लड़के भी जाते हैं, और किस तरह जाते हैं यार रोज़ ऊपर जाना फिर नीचे आना, तकरीबन 45 से 60 मिनट का सफ़र तय करके ये पैदल बेचारे ऊपर जाते हैं सुबह ठीक है, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों और फिर ये नीचे आते हैं पैदल, क्योंकि रोड तो तकरीबन अभी बना है थोड़ा ठीक लेकिन पहले तो सारा रोड ख़राब था, और ये लोग पैदल आते हैं ऊपर
और नीचे जाते हैं। ये हिम्मत है इनकी, यकीन माने बस। अब ये जो इलाका है ना, ये आजाद कश्मीर का इलाका रंगला, उससे रंगला से नीचे छपड़ियों का इलाका है। ये जो इलाका है ना, ये काफ़ी नीचे है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो मौसम काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, क्योंकि ये सतह ज़मीन से काफ़ी ऊपर है ये इलाका। और यहाँ पे अगर आप देख सकें वो पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं सामने, उससे पीछे पहाड़ थे, वहाँ पे बर्फ़ बर्फ़ थी और बर्फ़ की वजह से ठंडी हवाएँ आ रही थी। अब ये जो अंकल है मुझे बार बार कह रहे थे कि यार क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है तू, अल्लाह ना करे गिर जाए दोनों हाथों से पकड़ इसको गाड़ी को, ये ना यहाँ से तू गिर जाए और तेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा अंकल जी कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह आप तो आधी हो गया और नीचे से पकड़ के आ रहा हूँ, तकरीबन आधे घंटा हो गया मैं तो, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। मैंने बड़े मजबूती से पकड़ा हुआ है एक हाथ से हस्से को, तो इन्होंने कहा ठीक है जी मर्जी है तेरी, गिर गया तो हमारे जिम्मे ही लगेगा तू। दूसरा, एक तो हमें झंडे लग रहे थे, लेकिन ये साथ जो दरख्त है ना रोड के बिल्कुल साथ साथ, उनकी टहनियाँ भी हमें लग रही थी, तो मुश्किल तो थी लेकिन एक और मुश्किल आ रही थी। अंकल कह रहे हैं जी फाइनली रोड आ चुका है सीधा, वो सामने देखो। मैंने भी शुक्र पड़ा, मैंने कहा शुक्र अल्लाह रोड आ गए, दूसरा झटके शटके खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन टॉप जो है ना, टॉप काफी दूर है, अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें और लगेंगे यहाँ से दूसरे मेन रोड पे ऊपर जाने के लिए। लो जी फाइनली माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम और फजल से हमने पक्के रोड पे लैंड कर लिए। अब ये कुछ लोग आगे खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमने भी जाना है। अब ड्राइवर साहब इनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार जगह तो नहीं, आगे सामान इतना ज्यादा और पहले भी लोग चढ़े हुए हैं, तो आप लोग कहाँ पे बैठोगे यार। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी हमने ऊपर तक जाना है, तो हम भी इन्हीं की तरह इन लोगों की तरह ही खड़े हो जाएंगे या ऊपर सामान के ऊपर बैठ जाएंगे। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि जी आपकी मर्जी है, अगर आप लोग खड़े हो सकते हो तो खड़े होकर चलो। तो इन्होंने कहा जी ठीक है हम भी खड़े हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो ये लोग भी हमारे साथ ही इसी गाड़ी में शामिल हो चुके हैं। अब इनसे हमारी बात हो रही है कि हमने कहा कि हम भी खड़े होके जा रहे हैं, आप लोग भी खड़े होके जा रहे हैं, कह रहे हैं काफी रास्ता हमने पैदल तय किया। अब तकरीबन ऊपर मेन रोड तक यहाँ से 10 मिनट लगेंगे हमें मेन रोड ऊपर आने तक। अल्लाह करे ये सारा पक्का रोड हो जाए तो, और ये फिर कम से कम 20 मिनट का रास्ता होगा ऊपर से नीचे तक। अभी जो पैदल रास्ता है ये 45 से 60 मिनट लगेगा। लो जी अल्लाह पाक के फजल करम से हम मेन रोड पे लैंड करने वाले हैं और फेस पे देख सकते हैं खुशी के, बहुत ही बच के आऊँ बहुत ही डेंजर जोन से। अब सात अंकल बैठे हुए ये कह रहे हैं वीडियो बंद कर ले पुत्र, जगह आ गई तेरे उतरने ली। अब मैंने कहा अल्लाह ही से बंद करे वीडियो को, अब ये स्टार्ट कर ली है, अब तो अब मैं आगे जाके आपको अपना घर भी दिखाऊंगा और सब कुछ। अब यहाँ गाड़ी से मैं छलांग मार के ये नीचे उतर आया। माशाल्लाह जी गाँव की खूबसूरती में एक जानवरों का अपना ही किरदार होता है, पौधों के अलावा सूरती में। तो माशाल्लाह मैं मामू के घर गया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इनकी स्लोमो बनाई थी, क्योंकि मामू ने और भी बकरे रखे हुए हैं और उनमें से ये दो बच्चे थे और ये मैंने इनकी स्लोमो बनाई थी। ये जो ब्लैक और वाइट है ये थोड़ा सा बीमार था और ये घर ही थे और दूसरे के होते जंगल में घास वगैरह खाने। अब सीन ये है कि हम अपने घर आ चुके थे, हमारे दो घर हैं, एक सड़क से नीचे और एक सड़क से, और ये ऊपर वाला घर है सड़क से। घर बिल्कुल कच्चा है, अंदर से नहीं बना हुआ, क्योंकि पहले दादी दादा थे वो लोग देखभाल करते थे, वो इधर ही रहते थे। अब वो लोग फोत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उसके बाद ना कोई आया इधर, ना खेती बाड़ी की है किसी ने। मैं खेती बाड़ी करूँ और मुझे बड़ा शौक है। मामू कह रहे थे कि यार तुझसे नहीं होगा ये काम, लेकिन मैंने मामू को कहा कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। मुझे एक आप ना इसे मैं पहल बोलता हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रही से और क्या बोलेंगे, लेकिन मैं पहल ही कहूंगा ये। मैंने कहा मुझे पहल दें आप, ठीक है मैं छोटी सी एक खेत है छोटा सा, वहाँ पे कुछ ना कुछ उगा के जाऊँगा। अब मामू ने कहा ठीक है जी तेरी मर्जी है ले जा, बाकी तेरे से कुछ नहीं होगा। तो बस वो कह तो वो भी ठीक रहे थे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी हम इधर ही रहे हैं इस्लामाबाद, कभी ये काम किया ही नहीं है, है थोड़ा मुश्किल काम। अब मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ पे उगा के जाऊँगा। अपनी तरफ से तो दाने वगैरह फेंक आएंगे, बाकी सिला तो अल्लाह की ज़ात देने वाला है, अल्लाह करे कुछ ना कुछ हो ही जाए, रहेगा ना जाए मेरी मेहनत। बड़े पसीने छूट रहे हैं मेरी, यकीन माने को मैं 15 से 20 बार बैठा हूँ। 25x50 का या 25x75 का यह खेत होगा, लेकिन मैंने कम से कम इस पर ना मैंने 1.5 घंटा लगाया। बहुत सख्त सख्त मिट्टी थी, क्योंकि पहले तो तकरीबन आज से मुझे जितना लगता है ना 8-10 साल पहले यहाँ पे कुछ उगाया गया था, उसके बाद बिल्कुल बंजर ज़मीन है। ये थोड़ा मुश्किल काम था। मैंने ये सामने जो शेड देख रहे हैं ना आप, ये मैंने बनाया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जानवर वगैरह रखेंगे, लेकिन बस वापस आ गए। पहले हम लोग गए थे ये बना के वापस आ गए थे, वो भी आपको वीडियो दिखाता, लेकिन यहाँ पे नेट बड़ा स्लो था, उन दिनों मोबाइल भी मेरे पास नहीं था तो मैं इसलिए बना भी नहीं सका। बाकी इतनी देर काम करके खुदाल मार मार के यकीन माने हाथों में ना इतना पेन हो रहा है और ये छाले निकल आए हैं मेरे हाथों में।
अब घास वगैरह मैंने इसके अंदर से निकाल ली है और मैं फेंकने जा रहा हूँ मकई के दाने यहाँ पे। और इंशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा और अगला इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम गया इधर मैं लाजमी आपको वीडियो बना के लाजमी बताऊंगा कि कुछ यहाँ पे निकला है या नहीं निकला। लेकिन जितनी मैंने मेहनत की है इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।